तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं तरबूज की खेती। और ये तरबूज सिजेंटा कंपनी की तरफ से आने वाली अगस्ता वेराइटी है। और ये तरबूज बहुत ही बढ़िया होती है। इसका फल और तरबूज की कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़िया आता है। जैसे कि आपको मैं वीडियो के बीच में दिखा दूंगा इसका फल का साइज किस प्रकार का होता है। जैसे कि आप इसको मार्केट में लेकर के जाते हैं, इस तरबूज का ही खासियत रहता है कि इसको अगर आप मार्केट में लेकर के जाते हैं, जैसे दूसरी तरबूज, जैसे मार्केट में दूसरा तरबूज आया हुआ है, उसके कंपैरिजन में ये तरबूज 1 रुपये से लेकर के 2 रुपये ज़्यादा महंगी बिकती है। तो किसान भाई अगर इस तरबूज को लगाते हैं तो उनको अच्छा से अच्छा लाभ मिलता है। तो जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, दूसरी तरबूज आप लगाएंगे तो वो तरबूज 4 से 5 रुपये जा रहा है, तो ये तरबूज आपको 5 से 6 रुपये, मतलब कि 1 से 2 रुपये तक का डिफरेंस दिखेगा इसके फल में। मार्केट में अगर लेके जाएंगे तो आपको उसको बेचने टाइम, तो इस कंपनी की तरबूज का अगर आप अपने खेत पे लगाते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छा से अच्छा लाभ मिलता है। और ये तरबूज मात्र 60 दिन के अंतराल में इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये तरबूज लगभग 40 से 50 डिसमिल के एरिया में लगा हुआ है, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप। और ये तरबूज का और तरबूज के कंपेरिजन में ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें फल फूल आना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देखिए। और ये आप देख सकते हैं, देखिए फल भी आना चालू हो चुका है। तो ये तरबूज लगभग 2 महीना के बाद तैयार हो जाएगा। इसका आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी इस तरबूज की, जैसे कि फल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें कौन कौन सा दवा का उपयोग करें कि फल फूल में वृद्धि हो। और अगर आपने इस तरबूज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो लगभग 40 से 50 दिन के बाद का वीडियो बनाया हुआ था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था इस तरबूज की हमने ग्रोथ कैसे की थी, और जैसे ग्रोथ कैसे हुआ था, इसमें मादा देने के टाइम हमने कौन कौन सा कीटनाशक का उपयोग किया था। तो चलिए अभी बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।